हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यमी एंड फूड। सर्दियों में अगर आप भी एक ही स्टाइल की गोभी की सब्जी खा कर अगर बोर हो गए हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिल्कुल अलग मुगलई स्टाइल में गोभी की सब्जी। तो चलिए आइए इस रेसिपी को देखना शुरू करते हैं। मुगलई स्टाइल गोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो गोभी, जिसके मैंने इस तरह से फ्लोरेट्स काट कर धोकर इसे अच्छे से पोंछ कर ले लिया है। और साथ ही मैं इस सब्जी में यूज़ कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के आलू और 1 कटोरी मटर। मैंने यहाँ फ्रोजन मटर लिया है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस सब्जी को बिना आलू मटर के बना सकते हैं, या आलू को स्किप कर दें या मटर को, जैसे भी आपका मन करे उस स्टाइल में बनाइए, ये सब्जी बहुत ही गजब बनेगी। आलू को हम इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसिस में काट कर ले लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के प्याज, 4 मीडियम साइज के टमाटर, 1 कटोरी दही, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और थोड़े से मैंने यहाँ हरे लहसुन का यूज़ किया है। आप चाहे तो नॉर्मल वाला लहसुन भी ले सकते हैं। साथ ही हम लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। साबुत खड़े मसालों में हम लेंगे तेज पत्ता, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 लौंग, 4 साबुत काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और साथ ही हम लेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। मसालों में हम लेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो मुगलई गोभी बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर का जार, और इसमें हम डालेंगे टमाटर जिन्हें मैंने रफली चॉप करके ले लिया है, और इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। तो मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही हमने जो दही ली थी उसे हम चम्मच से अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि जब हम ग्रेवी में दही यूज़ करेंगे तो उसमें गुठलियाँ ना पड़े। अदरक और हरी मिर्ची के हमने इस तरह से लंबे लंबे लच्छे काट लिए हैं, और लहसुन को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब आती है सबसे मेन चीज़ इस सब्जी को बनाने में, जो थोड़ी सी मेहनत लगती है वो ये कि यहाँ पे हमें जो प्याज है वो बहुत ही अच्छा फाइनली चॉप करना है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि ये प्याज जो है वो मैंने बिना एक भी आंसू निकाले सिर्फ 1 मिनट में ही चॉप कर लिए हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसे कैसे इतनी जल्दी बिना आंसू निकाले चॉप किया, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने प्याज को इतना फाइनली चॉप कैसे किया, वो भी बिना रोए। तो चलिए, अब सारी तैयारी हो गई तो हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में लिया है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हमें आलू और गोभी को फ्राई करना है तो हम ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, और ऑयल को हम मीडियम सा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू के स्लाइसेस, और 5 से 7 मिनट तक इसे बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। आलू जो है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है फ्राई करने पे। इस तरह से हम एक आलू को प्रेस करके देख लेंगे, जब आलू अच्छे से पक जाए तो हम सारे आलू जो है उसे छलनी से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम सेम ऑयल में गोभी के फ्लोरेट्स फ्राई करेंगे। गोभी को फ्राई करते टाइम आप ध्यान रहे कि आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, अदरवाइज गोभी जो है वो एक साइड से बहुत ही ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। और गोभी को हमें 60-70% तक ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, अदरवाइज जब हम ग्रेवी में गोभी डालेंगे तो गोभी जो है वो पूरी मैशी हो जाएगी। अब हमने सेम कढ़ाई में से सारा ऑयल निकाल दिया है, और यहाँ मैंने लिया है सिर्फ 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। इसमें हम डालेंगे सारे साबुत खड़े मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची को मैंने इस तरह से खोल कर डाल दिया है, और साथ ही हम इसमें डालेंगे जीरा। मसालों को हम तेल में कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे, जिससे कि जो मसालों की पूरी खुशबू है वो तेल में अच्छे से आ जाए। और जब जीरे का कलर हल्का गोल्डन लगने लग जाए तो हम इसमें डाल देंगे अदरक के लच्छे, और इसे भी हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और हरा लहसुन, और इसे भी 1-2 सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इस रेसिपी में आपको ये बात ध्यान देनी है कि प्याज को हमें फाइनली चॉप ही करके लेना है। यहाँ प्याज को अगर ग्राइंड करके लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ग्रेवी में। इस तरह से फाइनली चॉप करके ही लें, तभी ग्रेवी का मज़ा आएगा। जब प्याज पर इस तरह की गोल्डन लेयर दिखने लग जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर,
साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़े से तीखेपन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च। सॉरी दोस्तों, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो कैमरा की बैटरी चार्ज नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो है वो बैटरी ऑफ हो गई थी, तो मुझे बीच में ही गैस को ऑफ करना पड़ा, तो जिस वजह से मसाला जो है वो हल्का सा लाल हो गया और मैंने इसे मिक्स भी कर दिया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके 1-2 सेकंड के लिए भूनेंगे, तो इस तरह से जब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके प्याज को कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे तो सब्जी का टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा। इसी टेक्सचर की वजह से ही हमने यहाँ पे प्याज को जो है वो कद्दूकस नहीं किया है, प्याज को फाइनली चॉप करके लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी जो हमने तैयार करके रखी थी। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर अच्छे से ऑयल रिलीज करने लग जाए। जैसे ही हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी तो हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जो है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है। और अब हम टमाटर का मसाला भूनकर तैयार कर लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ना रिलीज होने लग जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और मेरी आगे की अपडेट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। 5 से 7 मिनट में टमाटर जो है वो अच्छे से भुन गया है, और आप देखेंगे कि किनारों पे अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है, यानी कि अब हमारा मसाला जो है वो भुनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे दही, और जैसे ही हम इसमें दही डालेंगे तो हम इसे बहुत ही अच्छे से फटाफट से मिक्स कर देंगे। दही जो है वो आप रूम टेम्परेचर का ही दही लें, ठंडा दही ना लें, और दही को जल्दी से मिक्स कर दें, अदरवाइज दही जो है वो फट जाएगा। तो दही को हमने अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसे ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो आप देखेंगे कि सब्जी की ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ गया है, बहुत ही अच्छी रेड रेड ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, और पूरा ऑयल जो है वो ऊपर रिलीज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर। मैंने यहाँ फ्रोजन मटर लिया है तो ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी पकने में, अगर आप फ्रेश मटर लें तो उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप बॉईल करके भी ले सकते हैं। मटर को हम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट बाद जब आप लिड हटाकर देखेंगे तो मटर जो है वो बहुत ही अच्छे से पक गया है, सब्जी का टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने फ्राई किए हुए आलू और गोभी, और आलू गोभी को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो आलू गोभी पे अच्छे से कोट हो जाए। अगर आपको सूखी सब्जी पसंद हो तो आप इसी तरह से भी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे बना रही हूँ मुगलाई स्टाइल में। तो हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, और इसे ढक कर रख देंगे और 2 से 3 उबाल आने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी जो है वो अच्छे से उबल गई है और मसाला जो है वो सब्जी में अच्छे से कोट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, और साथ ही इसे गार्निश करेंगे धनिया के साथ। इस सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।